आज है 22 नवंबर 2022, और 22 नवंबर 2022 से करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिल चौहान। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान बने हैं। गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल पर 47वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में किस संस्था ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनटीपीसी नई दिल्ली। सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में हुआ है। गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल पर 47वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में एनटीपीसी संस्था ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, होमर। होमर लोकप्रिय अमेरिकी खेल बेसबॉल में होम रन को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सरजमी से आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत, रूस, ईरान ने मास्को प्रारूप के साथ अफगानिस्तान पर त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मास्को, रूस। इस बैठक में अन्य सदस्य देश के रूप में रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान ने भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल में 42वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सी वी आनंद बोस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के 42वें राज्यपाल के रूप में डॉक्टर सी वी आनंद बोस को चुना है। भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं या अनुच्छेद 155 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सी, भारत। वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक देश चीन है, जिसका विश्व में स्टील उत्पादन का 57% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा अरुणाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना काल के बाद भारत में नई कंपनियां खुलने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना काल के बाद 60,000 नई कंपनियां खोली गई हैं। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, इसमें 30,000 कंपनियां खोली गई हैं। रिपोर्ट ये है कॉरपोरेशन मंत्रालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस, फ्रांस। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी पेरिस, फ्रांस देश का शहर करेगा। इसका यह 33वां संस्करण है। इसका शुभारंभ फिजियन कैंप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन को शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। किसान की आय दोगुनी करने के लिए असम राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बने हैं। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ में से किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।